के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार, मैं रुपया पठारे, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वावधान में आयोजित जन चेतना विशेष जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की ओर से आवंटित विषय सामान्य कार्य हेतु पुरुषों की अपेक्षा महिला को कम मजदूरी मिलने पर क्या करें के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस तक सरल भाषा में कानून की समान जानकारी उपलब्ध कराना है। पीड़ित को क्या करना चाहिए और कहां शिकायत कर सकती है। मजदूरों की हितों की सुरक्षा हेतु कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी मजदूरों से संबंधित कानून बने हैं। सर्वप्रथम पारिश्रमिक या मजदूरी क्या होता है यह जानना आवश्यक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अनुसार मजदूरी से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले दी जाने वाली मजदूरी या वेतन और अतिरिक्त उपलब्धियां, चाहे वे नगद या वस्तु के रूप में दी गई हो, अर्थात कार्य करने के एवज में दिया गया पारिश्रमिक ही मजदूरी है। एक ही काम या समान प्रकृति का काम। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में दिए गए परिभाषा अनुसार एक ही काम या समान प्रकृति के काम से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसके करने में समान मेहनत, कुशलता या जिम्मेदारी की जरूरत हो, जब वह समान परिस्थिति में किसी महिला या पुरुष द्वारा किया जाता है। कम मजदूरी मिलने से पीड़ित महिला मजदूर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन नियुक्त श्रम अधिकारी से निम्न अधिकारी के समक्ष परिवाद पेश कर सकती है। तब वह सक्षम अधिकारी नियोजक और पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद उचित जाँच कर आदेश पारित करेगा। इसके अलावा पीड़ित स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। किस प्रकार के दस्तावेज एवं साक्ष्य उपयोगी एवं सहायक होते हैं। जब पीड़ित के द्वारा कम मजदूरी मिलने संबंधी परिवाद या दावा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अनुसार पीड़ित जिस नियोजक के अधीन कार्यरत है वहाँ के नियोजक द्वारा संधारित रजिस्टर जिसमें नियोजित पुरुष एवं महिला श्रमिकों की संख्या, कार्य का विवरण, देय पारिश्रमिक, महंगाई भत्ता आदि का विवरण रहता है, उक्त दस्तावेज को पेश कर सकती है जो साक्ष्य में उपयोगी एवं सहायक होगा। इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है। पीड़ित द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष परिवाद या दावा प्रस्तुत करने पर वह अधिकारी पीड़ित और नियोजक को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज की जांच उपरांत आदेश पारित करेगा। सक्षम अधिकारी के आदेश से व्यथित पक्ष आदेश के तारीख से 30 दिन के अंदर ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे समुचित सरकार निर्दिष्ट करे वहां अपील कर सकता है। इसके अलावा समुचित सरकार अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करेगी। नियुक्त निरीक्षक अपने अधिकारिता के कारखाना, भवन आदि में प्रवेश कर जांच, पूछताछ, कागजी रिकॉर्ड देख या मंगवा सकता है। और यदि नियोजक पुरुष और स्त्री कर्मकार को एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए अलग अलग मजदूरी देता है तो वह निरीक्षक इस संबंध में प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा पीड़ित स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। इनके अंतर्गत कौन सा दंड अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध है। पीड़ित द्वारा प्रस्तुत परिवाद या दावा प्रमाणित पाए जाने पर सक्षम अधिकारी शेष कम दिए गए मजदूरी की रकम को पीड़ित को भुगतान करने का आदेश कर सकता है। इसी प्रकार पीड़ित या उसके अधिवक्ता या निरीक्षक द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत परिवाद या दावा प्रमाणित पाए जाने पर नियोजक के विरुद्ध जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन 20,000 रुपये तक विस्तारित हो सकेगा, या कारावास जो 3 महीने से कम नहीं होगा लेकिन 1 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा से दंडनीय होगा।
यदि नियोजक द्वारा ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है तो कारावास 2 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा। नियोजक के विरुद्ध अतिरोपित जुर्माना की राशि में से पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यों और श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है? छत्तीसगढ़ में निम्न प्रकार के मजदूरों की श्रेणियां हैं, जिसमें पहला है अकुशल श्रमिक वर्ग, वह है जो सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवा से परिचित होना अपेक्षित है। दूसरा अर्धकुशल श्रमिक वर्ग, वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय बुद्धि कुशलता निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किंतु उसमें अपेक्षित रूप से छोटे काम जो उसे सौंपे जाए उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हों। तीसरा वर्ग है कुशल श्रमिक का वर्ग, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय शिल्प का उद्योग का जिसमें वो नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान हो। चौथा है उच्च कुशल वर्ग, वह जो तकनीकी एवं विशिष्ट रूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित हो पूर्ण ज्ञान हो। श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के अधिसूचना दिनांक 16/3/2020 के अनुसार दिनांक 1/4/2020 से दिनांक 30/9/2020 तक प्रभावशील दैनिक वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निम्नानुसार है। अनुसूची का कृषक प्रयोजन हेतु अकुशल श्रमिक का प्रतिदिन का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित एक दिन का कुल वेतन 252 रुपये है। अनुसूची खा 45 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है के अनुसार अकुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 351 रुपये, अर्धकुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 376 रुपये, कुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 406 रुपया एवं कुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 436 रुपये है। इसी प्रकार अनुसूची ग विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है के अनुसार अकुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 304 रुपया, अर्धकुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 326 रुपये, कुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 352 रुपया एवं उच्च कुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 378 रुपये है। पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री में नियोजित जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत हो एवं 300 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो में मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है के अनुसार अकुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 361 रुपये, अर्धकुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 386 रुपये, कुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 416 रुपये एवं उच्च कुशल श्रमिक का एक दिन का कुल वेतन 440 रुपये है। आशा है कि दी गई जानकारी आपके लाभ के लिए होगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।